हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चने की दाल के पराठे। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त फिलिंग हुई है और बहुत अच्छे खस्ता पराठे तैयार हुए हैं। आप इसको घर में बनाइएगा। मौसम भी अब चेंज हो रहा है तो कभी कभी पराठे खाए जा सकते हैं। आप इसको घी से बनाएं, घी में उतना नुकसान नहीं है, घी के फायदे ही हैं। आजकल जो डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो सब बताते हैं कि थोड़ा बहुत घी कम मकदार में खाना चाहिए। बहुत पसंद आएंगे। मैंने और भी पराठों की रेसिपीज डाली हुई हैं, मैं आपको उनका भी लिंक दे दूंगी। पनीर का पराठा है, आलू के पराठे हैं, आलू के पराठे मैंने कुछ नए तरीके से बनाया वो भी देख सकते हैं, और मेथी के पराठे बनाए, तो बहुत से पराठे की रेसिपीज मैंने डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक और चैनल शुरू किया है, होम सॉल्यूशंस। आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें हर तरह के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। हालांकि अभी नया चैनल है और कुछ ही वीडियोस मैंने डाले हैं, किचन से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो उसी तरह के कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगे उसमें, तो आप वो जरूर देखिएगा। चलिए इसको तैयार कर लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ उसको मैंने कैसे बनाया है। चने की दाल के पराठों के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। मैंने ये 1.5 कप आटा लिया है। मैं 2-3 पराठों के लिए भी आटा गूंद के आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं। ये मेरा होममेड घी है, मैंने इसका वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए कितना प्योर घी है, बिल्कुल वाइट। तो मैं इसमें से 1 टीस्पून 1.5 चम्मच अब डाल दिए और उसको भून लेते हैं। जैसे नॉर्मल आटा आप गूंदते हैं उसको वैसे ही करना है। पहले नमक को और घी को थोड़ा सा मिला लीजिए और इस तरह से कर लीजिए। अब धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट बिल्कुल, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, वरना रोटी या पराठे जो है ना टाइट टाइट बनते हैं, सूखने लगते हैं कुछ देर बाद ही। तो थोड़ा सॉफ्ट आटा बनाएं और चाहते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट रोटियाँ बने, बहुत आसानी से पूरे दिन चल जाएँ, एक दिन चल जाएँ अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट रहें, तो आप अगर दूध से भी गूंदेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है आटा। तो धीरे धीरे हम आटा इस तरह से, पहले सारे को धीरे धीरे पानी डालते हुए उसको पूरे को इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इसमें मुक्कियाँ लगाएंगे, जितनी मुक्कियाँ लगेंगी, जितना आप उसमें टाइम देंगे उतना ही अच्छा आटा गूंदा जाता है। पूरा डो इकट्ठा हो गया, इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और मुक्कियाँ लगाएंगे और हमारा आटा तैयार हो जाएगा। इस तरह से मुक्कियाँ लगानी है, ज़मीन पर बैठ के बहुत अच्छे से मुक्कियाँ भी लगती हैं अगर आप ज़मीन पर बैठ करें। मैं तो स्लैब पर कर रही हूँ किचन काउंटर पर, लेकिन आप दोनों हाथ से इसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छा आटा गूंदता है। आटा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक हम इसके चने की दाल को तैयार कर लेते हैं, स्टफिंग जो है उसको तैयार कर लेते हैं। तो अब मसाले देख लीजिए दाल के। मैंने 4-5 घंटे के लिए चने की दाल को भिगो दिया था। 1 कप दाल है ये और फूल के ये डबल हो गई। इसका हम पानी अभी हटा देंगे। बाकी मसालों में 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून ये खटाई है, और ये कुछ हरी मिर्चें हैं और अदरक को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। आप मिर्च मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बार स्टफिंग बनाने का उसको उसका नमक और मिर्च ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर ऐड करना हो तो उसी वक्त कर सकते हैं। इसको 2 तरीकों से किया जा सकता है, या तो आप पहले सिर्फ चने की दाल को उबाल लें और उसके बाद तेल और मसालों में इसके साथ भून लें, या फिर आप डायरेक्ट पहले तेल मसालों में भून लें उसके बाद चने की दाल डाल दें और उसके बाद पानी डाल के उसको गला लें। तो मैं इसी तरीके से करूँगी, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कुकर मैंने रख दिया है, मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। कम तेल या घी डालना होगा क्योंकि इसका हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो पराठों से उस तरह से निकलने लगेगा। तो इसको मैंने डाल दिया है। सबसे पहले इसमें हम जीरा डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं। ये हरी मिर्च और अदरक मैं डाल देती हूँ घी में। एक मिनट मैंने भून लिया, इसमें मैं दाल डाल देती हूँ। पानी मैंने अभी हटा दिया है इसका, आप वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको बदल के भी कर सकते हैं। भून लेते हैं। फ्लेम मैंने हाई की हुई है अभी, 1-2 मिनट पहले भून लेते हैं तब इसमें हम मसाले डालेंगे। अच्छे से 2-3 मिनट मैंने भून लिया है, अब इसमें सारे मसाले में डाल देती हूँ। नमक, हल्दी, काली मिर्च और लाल मिर्च, जीरा और खटाई। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। आप खटाई और मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है और लाल मिर्च इसलिए मैंने कम डाली है।
बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है जो हमने इसको घी में तैयार कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत अच्छा जायका हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं क्योंकि सारा पानी सूख गया है, ड्राई हो गया है। अभी थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच मसाला भूनने के लिए। दो तीन मिनट भूनेंगे उसके बाद हम इसको विसल लगाएंगे। तो मैं बताती हूँ आपको, 2-3 मिनट मैंने भून लिया है, दोबारा भी पानी सूख गया है आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ, 1/4 कप इसमें मैं पानी डालूंगी। जितनी भी दाल है आप इसको नीचे कर दें ताकि सारी इसमें डूब जाए। और इसको मैंने फैला दिया है पूरे में। मैं इसमें विसल लगा देती हूँ, एक विसल दूंगी हाई फ्लेम पे, उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, पानी बिल्कुल सूखा हुआ होगा। तो एक विसल और उसके बाद 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम। कुकर ठंडा हो गया, इसको खोल कर देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, परफेक्टली गल भी गई है, देखने में लग ही रहा पानी बिल्कुल नहीं है, हमने बिल्कुल परफेक्ट पानी डाला था, इसको सुखाने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं कि कितना गला है, देखिए कितने अच्छे से गल भी गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, मैं कुकर से निकाल देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने इस बोल में निकाल दिया, थोड़ा ठंडा हो जाता है, या तो आप इसको ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा कर लीजिएगा बिना पानी डाले, या फिर इतना ये सॉफ्ट हो गया है ठंडा होने के बाद ये हाथ से ही हो जाएगा, तो आपको जो सहूलत लगे आप उसको कर लीजिएगा। तो मैं भी इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ, ये मैं देख लूंगी कि ठंडा है, ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको हाथ से भी कर सकती हूँ, तो दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बहुत दरदरा सा किया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, मैंने मिक्सी में इसको किया है। अब इसके हम पराठे तैयार कर लेते हैं, मैं लोई निकाल लेती हूँ। पहले हम लोई तैयार कर लेते हैं, इस तरह से आप उसमें गड्ढा तैयार कर लीजिए और इस तरह से इसमें डालते जाइए आप, और उसको नीचे दबाते जाइए, उससे ये होगा कि गहरा होता चला जाएगा और फिलिंग अच्छी खासी उसमें आ जाएगी। और इस तरह से उसको आप दबा के आप देख लीजिए कितना सारा उसमें फिलिंग आ गया है, और धीरे धीरे उसको दबा दीजिए। अब इस तरह से थोड़ा हाथ से ही इसको बड़ा करते जाइए आप। और धीरे धीरे से आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं उस तरह से इसको बड़ा कर लीजिए। जरूरत पड़े तो सूखा आटा लगा लीजिए, इस पर प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको करना है, ज्यादा दबाना नहीं है। स्टफिंग करने से पहले एक बार आप नमक मिर्च सब चख लीजिएगा, तो आप अगर जरूरत होगी तो आप उसको भर सकते हैं, दोबारा से आप उसको डाल सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम मैंने की हुई है, इसको पलट देते हैं और इस पे घी लगा लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सेकना है, लो टू मीडियम पे, हाई नहीं करना है। अभी इसको दोबारा पलट देते हैं और इस साइड पे घी लगा देंगे। मैंने एक प्लेट ली है, उस पर एक कटोरी से रखी है जो फ्लैट है, इस पर मैं पराठा रखूंगी। अगर हम डायरेक्ट प्लेट पर रखेंगे तो थोड़ी देर में वो सॉगी होने लगता है और अच्छा नहीं लगता है फिर खाने में, तो पहले हम पहले पराठे को इस पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद प्लेट पर रखेंगे। दूसरी साइड से बहुत अच्छे से सिक गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल हल्की आँच पर सेकेंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे तैयार होंगे, हल्की हल्की से ये चित्तियाँ आएंगी। अगर आप एकदम से तेज़ कर देंगे फ्लेम को, ये बड़ी बड़ी चित्तियाँ आ जाएंगी और अच्छे से पकेगा नहीं। तो बहुत अच्छे से देखिए पक गया है और इवनली सब पे पूरे पे चित्तियाँ आ गई हैं। अब इसको मैं हटा लेती हूँ, इस कटोरी पे मैंने इसको रख दिया है, डायरेक्ट प्लेट पे नहीं रखा। दूसरा भी इसी तरह से कर लेते हैं, ये भी डाल देते हैं। अब दूसरा पराठा और तीसरा पराठा भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फिलिंग के साथ तैयार हुए हैं। मैंने आपको खोल के भी एक दिखा दिया है, और मैंने एक कप दाल ली थी उसमें से इतना बच गया है जो अगले दिन भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो आप उसको 1 से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब जब पराठा खाने का मन हो आप इसको तैयार करके रख सकते हैं। अभी मैंने 3 पराठे तैयार किए हैं, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज अख्तर खान।